नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन गति के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा दूसरा चैनल भी चालू हो चुका है, जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल के माध्यम से हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख धर्म के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। यदि वे जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अयन का अर्थ होता है परिवर्तन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक वर्ष में दो अयन होते हैं। साल में दो बार सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। आइए सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन को विस्तार पूर्वक समझते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सूर्यदेव सौर मंडल के संचालक ग्रह होते हैं, ग्रहों के राजा माने जाते हैं। भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष दो प्रकार के होते हैं, पहला चंद्रवर्ष और दूसरा सौर वर्ष। चंद्रवर्ष के महीनों को चंद्रमास एवं सौर वर्ष के महीनों को सौर मास कहा जाता है। जिस तरह से चंद्रमास में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसी प्रकार से एक सौर वर्ष में भी दो भाग होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्यदेव सदैव गतिशील रहते हैं। सूर्यदेव अपने भ्रमण काल में प्रत्येक महीने में राशि परिवर्तन कर देते हैं। इसी भ्रमण काल में सूर्यदेव 6 महीने तक उत्तरायण होते हैं तथा 6 महीने तक दक्षिणायन होते हैं। सूर्यदेव अपने भ्रमण काल में जब धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार से जब सूर्यदेव अपने भ्रमण काल में मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की दक्षिणायन गति प्रारंभ हो जाती है। सूर्यदेव के उत्तरायण होने पर दिन बड़े व रातें छोटी होने लगती हैं, और इसके विपरीत सूर्यदेव के दक्षिणायन होने पर दिन छोटे एवं रातें बड़ी होने लगती हैं। दूसरी भाषा में यह भी समझ सकते हैं कि जब सूर्यदेव मकर राशि से मिथुन राशि तक भ्रमण कर रहे होते हैं, अर्थात मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, इतनी राशियों में भ्रमण कर रहे होते हैं तो वह कालखंड उत्तरायण कहलाता है। तथा कर्क राशि से धनु राशि तक भ्रमण कर रहे होते हैं, अर्थात कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, इन राशियों में भ्रमण कर रहे होते हैं तो वह कालखंड दक्षिणायन कहलाता है। पृथ्वी लोक का एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन के बराबर होता है। उत्तरायण की अवधि देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन की अवधि देवताओं की रात्रि होती है। उत्तरायण को सकारात्मकता तथा दक्षिणायन को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। ऋतुओं में से भी 3 ऋतुएं क्रमशः शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतुएं उत्तरायण में तथा 3 ऋतुएं क्रमशः वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं दक्षिणायन में होती हैं। सूर्यदेव के उत्तरायण या दक्षिणायन होने से जलवायु में भी परिवर्तन होता है। सूर्यदेव के उत्तरायण होते ही मौसम में गर्मी बढ़ने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सूर्यदेव के दक्षिणायन होने के साथ मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है और ग्रीष्म ऋतु की विदाई होकर ठंड का महीना प्रारंभ होने लगता है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप सूर्यदेव के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के बारे में जानकारी प्राप्त किए। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथ ही साथ आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी सनातनी सूर्यदेव के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। अब मैं अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नए दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर लीजिए। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय जय सूर्यदेव।